चल चलिए चलिए सपने विच, सपने विच वसदा अपना जहां, रंग सारे वखरे हो जा, फूलों से जो है सजा। मैं तो उड़ जावा, जेब से जब 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उस नोट को जमीन से उठाकर मेरे जेब में रखने में जितना टाइम जाता है उतने में मैं लाखों के डील्स कर लेता हूं। टाइम इज प्रेशियस। और यहां मेरे केमिकल फैक्ट्रीज के ट्रक्स को 2 दिन लगते हैं सिर्फ शहर तक पहुंचने में। आप लोगों को अंदाजा भी है कि कितना नुकसान हो रहा है मुझे? सॉरी सर, एक्चुअली इस फैक्ट्री की लोकेशन को चूज करने की हमारी सबसे बड़ी वजह ये नदी है जो ठीक हमारी फैक्ट्री के बगल से जाती है, और हमारी फैक्ट्री से निकले टॉक्सिक वेस्ट को डंप करने की
इससे चीपर और कन्वीनियंट लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती थी। और सर अब यही लेक जो है ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है सर। इसी लेक की वजह से हमारे ट्रक्स को पूरा रास्ता इधर से घूम के जाना पड़ता है सर। सो यू गाइस कुड नॉट एंटिसिपेट दिस सिंपल प्रॉब्लम। वी प्लान्ड कि ठीक यहां से एक ब्रिज आना चाहिए सर। उस ब्रिज के बनते ही हमारे ट्रक्स का 70% का जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा और लैंड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी सर। तो मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? बिल्ड दैट गॉडडैम ब्रिज। वी आर ट्राइंग सर बट उस ब्रिज को बनाने के लिए जो लैंड हमें चाहिए उसे हम खरीद नहीं पा रहे सर। यू नो मिस्टर गिल, छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया के बीचों बीच मैंने पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया है और तुम लोग एक मामूली सी मतलब छोटी सी जमीन को है? सर हमने उनको बहुत समझाया वो हमारी बात नहीं सुनते। ऐसे लोकल गून्स। सर एक पेड़, दरअसल उस लैंड पर एक 200 साल पुराना पेड़ है और नेचुरली उस पर सिखों के खंडे का आकार बना हुआ है। लोग मानते हैं कि ये गुरुओं की देन है और पंथक निशान है। सर लोग उसे बहुत सिद्ध मानते हैं। उस पेड़ की इतनी मान्यता है। यू नो आई मीन सर वो यू कांट बी सीरियस। इट्स ट्रू सर, रिसेशन के टाइम पे मेरी जॉब चली गई, आई लॉस्ट होप। फिर मेरी वाइफ ने उसी पेड़ के पास जाकर मन्नत मांगी और आज मैं आपकी इतनी बड़ी कंपनी में जीएम हूं सर। कौन है लैंड के मालिक? सर वो एक माँ और बेटा वहां पे रहते हैं सर। अब बेटा किसी लोकल स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता है। एक मार्शल आर्ट टीचर से डर गए? नहीं सर, डर हमें लड़के से नहीं सर, वो उसकी मां से लगता है सर। मेरे सिंह जी की जमीन का सौदा करने आयो? एक एक को नहीं छोड़ूंगी मैं। ओए चट्टू, मुझे जाकर मिलना पड़ेगा उनसे। फिक्स माय मीटिंग था सर। यू आर फ्री आफ्टर 7? 7? नो सर, दैट इज नॉट द राइट टाइम टू मीट हर सर। यार ये 180 ml के बाद बेबे किसी से मुलाकात नहीं, सिर्फ मुकालात करती हैं। ओ यार ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा बात, देख क्या रहे हो? गाड़ी निकाल। नजर नहीं आता मुझे, दबाओ यहाँ से, जाओ पड़े पड़े घर, सब तमाचा देख रहे हैं मेरा। बेबी तू फिर शुरू हो गई, जाने देना अपने लोग। तू चुप कर, पहले तो तू मुझे 9 महीने का रेंट दे। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझसे रेंट लेगी? ओए खोते, उस घर में रहने का नहीं, इस घर में रहने का। पूरे 9 महीने एक पैग दारू नहीं लगाई मैंने। हाँ। क्या बात कर रही है बेबी? हाँ। 9 महीने? चुप कर, और वो भी ऐसी औलाद के। अरे तू औलाद तो क्या, तू तो सरदार भी नहीं है। देख रहे बेबी क्या कर रही है? बाल कटवा लिए तूने, दाढ़ी भी कटवा ली तूने अपनी, कंजर गई का खोता। और एक तेरे पिता थे सरदार करतार सिंह, वो पहले सरदार थे जिन्होंने शाओलिन में जाकर कुंग फू सीखी थी। उनकी बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया देती थी। ओए होए, हवा में 20-20 फुट ऊंची छलांगे लगा के ऐसी किक मारा करते थे, वाह। लोग प्यार से उन्हें फ्लाइंग जाट बुलाया करते थे। क्या बुलाते थे? है? है? फ्लाइंग जाट। हाँ, और एक तू छोटी छोटी ऊंचाइयों से भी डरता है। तरपो कहीं का, डोले शोले तो बना लिए, जिगरा का बनाएगा तू, कोत्ता कहीं का। निकम्मा निकम्मा बुझ दे बुझ दे।
ठीक है, परसों सुबह का रख लेते मीटिंग। गिल सर, वाकई में तुम्हारी बीवी ने पेड़ से मन्नत मांगी थी और फिर तुम्हारी उन्नति हो गई और तुम यहाँ के जीएम बन गए? यस सर। आर यू सीरियस? यस सर, वेरी मच सर। वाओ, यू फायर्ड सर। अपनी बीवी से कहो फिर से मन्नत मांगने के लिए। सर प्लीज, मुझे भी देखना है क्या करता है तुम्हारा ये पेड़। Ah!
मिसेस ढिल्लों, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकती। फर्स्ट ऑफ ऑस राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान है आप। मैंने सुना है कि आपने इनको मार मार के भगाया। मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत रिलीजियस हैं। अब भगवान को इतना मानती है तो फिर थोड़ी इंपॉर्टेंस लक्ष्मी माँ को भी दीजिए ना। मार्केट वैल्यू जमीन की 12,000 पर स्क्वायर फुट, मैं आपको डबल दूंगा, 24,000 पर स्क्वायर फुट, 6,000 आपके लिए और 6,000 आपके पेड़ के लिए। इस पेड़ की क्या अहमियत है ये तो तू जान ही नहीं सकता, लेकिन अगर इस जमीन पे ये पेड़ ना भी होता तभी ये जमीन मैं तुझे नहीं बेचती। तुम्हारी फैक्ट्रीज के पोल्यूशन ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया है। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ये जमीन तुम्हें नहीं बेचूंगी। मैं तो कर जा रही हूं। तू छोड़ मुझे, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मिसेस ढिल्लों। अभी भी मैंने मन्नत मांगी कि आप मुझे ये जमीन बेच दें। अब या तो मेरी मन्नत पूरी होगी या फिर ये साबित हो जाएगा कि एक मामूली सा पेड़ है जिसे काटने में क्या दिक्कत है। तू अगर अब यहां से दफा नहीं हुआ तो जूती उतार कर खींच के मारूंगी तुझे मैं। नहीं हो गया, तुझे पता भी है वो कौन है? अफसोस तो इस बात का है कि तुझे नहीं पता कि तू कौन है। तेरे पिता सरदार करतार सिंह, पूरे पंजाब में लड़ाई में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, पर वो कैंसर से नहीं लड़ सके। इस पोल्यूशन ने उन्हें अंदर ही अंदर, इसलिए उन्होंने ये छोटी सी जगह बसाई ताकि हम सब साफ सांस ले सके। और तू चाहता है कि मैं ये जमीन मल्होत्रा को बेच दूं? लेकिन पोल्यूशन जब मारेगा तब मारेगा, लेकिन मल्होत्रा चाहे तो कल ही मार सकता है। बेबे अच्छे पैसे दे रहे वो उस जमीन के, बेच के चलते हैं यहां से। और वैसे भी थक गया हूं करतार सिंह दी परछाई बनते बनते। तुझे तस्वीर में डैडी नजर आ जाते हैं ना, पेट में रब, पर सामने सामने खड़ा तेरा बेटा कभी नजर नहीं आता क्या? बच्चों अरे कभी तो सुन लिया करो, वरना वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा जानते हो ब्रूस ली को? जानते हो ब्रूस ली? ये कौन है? तो ब्रूस ली अपने नंचक से ओके बुलेट्स तक रोक लेता था। ऐसा थोड़ी ना होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। होता है ना, ठीक है दिखाता हूँ, एक डेमोंस्ट्रेशन हो जाए। पर यहाँ तो गन नहीं है सर। बॉलिंग मशीन तो है। गोली।
तुम ठीक हो ना अमन? इसलिए मैं मार्शल आर्ट के अगेंस्ट हूँ। सी, जब टीचर का ये हाल है तो बेचारे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? अरे वो सब छोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। आई मीन मेयर म्यूजिक कीज़ प्लीज, म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर। अमन, feeling better? Yeah. Hmm. Perfect. हाँ? चले, अगली क्लास का टाइम हो गया। You're right. Bye, Aman. See you later. One second. Aman. कृति, कैसी हो? अरे मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? अरे कराटे में तो चोटें लगती रहती है ना। ओह, तुम तो हो ही बहुत strong. बिल्कुल आंटी जी पे गए हो। कल जो मल्होत्रा के छक्के चढ़ाए थे आंटी जी ने, मजा आ गया। पता है, अच्छा बेबी ने रोक लिया मुझे, वरना उनकी ऐसी हालत कब तक मैं। यार ये मल्होत्रा सोचता क्या है, जरा से पैसों के लिए थोड़ी अपनी एनवायरनमेंट खराब करने दे सकते ना। कीर्ति, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार वो लोग मिल जाए, फिर देखना। हाय, फिर देखना, दो कराटे चॉप में सबको ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मल्होत्रा सर ने बुलाया है। चल अंदर चल। अरे मन्नु, मैं यहाँ हूँ। देखो तुम फिर से हार गई। ओके, तुम चुप जाओ, मैं ढूंढता हूँ, ठीक है? ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and 8, and 9, and 10. Excuse me, sir. Sir? Sir, I'm so sorry. मेरी माँ ने उस दिन आपसे बहुत ज्यादा, मैंने बात करी उनसे सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है ना यार, माँ है ना, मैं समझता हूँ माँ की अहमियत। मेरी बेटी बेचारी, इसकी मां नहीं पता है, इसलिए बच्चों की तरह खेल लेता हूं उसके साथ। लाख कोशिश कर लूं फिर भी मां की कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना। ये मन्नू तो बेडरूम में भी नहीं है, फिर कहां है? दुनिया में सारी चीजें चली जाए, पैसा, जमीन, लेकिन मां को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मां को कुछ हो गया तो मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीतेगी। ये मनु कहां सर, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन बेबी नहीं मानेगी सर। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। आप कितने बड़े आदमी हैं, आपके पास तो बहुत सी प्रॉपर्टीज है सर। प्लीज, हमारे पास बस ये छोटी सी जगह है, बस छोड़ दीजिए हमें। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूं, गुंडा थोड़ी हूं। तुम अपनी मां का ध्यान रखो। Keep her safe. You're dead. चलो बेटा, अभी मुझे काम करना है, तुम टॉर्च करके। ओके। सर आपने बुलाया? लड़का कहाँ है? छुपा होगा,
जैसे पिछले दो हफ्तों से अंडरग्राउंड रहना पड़ा है हमें, अब देख हम तुझे कैसी मौत मारते हैं। नहीं समझा? Now see how I kill you. Surprise, surprise. The rat is out of the hole. Rat, this is the only way I can find you. Now he samja. Up to gaya. Rat. तो जानते कि एक टाइम था जब मैं तुम पे भरोसा करता था। मांगी थी मन्नत मैंने अपने पापा के लिए, मगर तुमने उन्हें नहीं बचा। लेकिन आज बात मेरी बेबी की है। मैं जानता हूं मल्होत्रा कुछ ना कुछ जरूर करेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं वो भी लड़ने हूं जो बेबी चाहती। मैं कमजोर हूं, डरपोक हूं, लेकिन तुम पे तो भरोसा है ना उसे। तुम में तो है वो ताकत, तो दिखाओ अपनी ताकत। बचाओ उस मल्होत्रा से। Thank you.
मेरी बात।
अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है? म्यूजिक म्यूजिक है ना. गोल्डी गोल्डी जाते हो. मुझे भी कहां पता था. वाओ गोल्डी फीलिंग बेटर. सॉरी सर, वो राका का अब तक कुछ पता नहीं चला सर. और वो पेड़ वो अब भी वहीं खड़ा है. बताइए सर क्या करना है. नहीं कैसे, पर रोज जैसे ही म्यूजिक नोट्स छुए वायलिन बजाने लगा. अच्छा जी, तो दोबारा बजा लेगा तू? यार यही तो बात है, बस आधा एक मिनट के लिए बजा पाया पर सब भूल गया. ओ भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, हैं तू अपनी बातें सुन रहा है? यार लोग देखेंगे तो बोलेंगे बंदा पागल हो गया. यार सुबह से अजीब सी आवाजें आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है. ओ यार वीरे तुझे स्ट्रेस हो गया है, मगर सुनना तू टेंशन ना ले, इसका भी इलाज है मेरे पास. सन्नी लियोनी. क्यों बे, मल्होत्रा साहब से पंगा लेगा? उड़ा दे साले को. सर गोली तो मारी है उसको. अरे गोली मारी तो है किधर? तुझे पता नहीं आज क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था. मैंने कहा था ना मल्होत्रा से पंगा मत लो, अब देखना झगड़ा बहुत आगे जाएगा. आगे तो तू जा रहा था वीरे, बेबे 200 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा था. पागलों जैसी बातें मत कर भी. अच्छा मैं पागल हुआ? तुझे यकीन नहीं होता ना, तो अपने जूते देख ले. शराब पी है तूने? यार मैं सच कह रहा हूँ बेबे, पक्का कोई गड़बड़ा. जानती उन गुंडों ने हमारे ऊपर बंदूक तान दी. और ये सन्नी देओल बनने की जगह सन्नी लियोनी बन गया, नाच रहा था उनके सामने. बकवास मत, मुजरा कर रहे थे यार मुजरा. मैं मजाक नहीं कर रहा बेबे, उस पे तो गोलियों की बरसात कर दी गुंडों ने, मगर इसको कुछ हुआ ही नहीं. और तुम्हारी 100 यार एक मिनट आ तू मेरे नाला आजा. है का? आजा.
पेड़ को भी कुछ नहीं हुआ था बेबी, इसलिए मुझे लगा एक सपना था। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखता आया राम राज्य। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हर युग में पाप का अंत करने के लिए ईश्वर खुद किसी रूप में धरती पर आते हैं। ईश्वर के इस रूप यानी भगत की रक्षा ईश्वर खुद रखते हैं। ये सब वाहेगुरु जी की करनी है। उन्होंने ये सब शक्तियां तुझे इसलिए दी है ताकि तू बुराइयों से लड़ सके। शक्तियां, मगर कौन कौन सी? ये क्या पहना है? ये पिक्चर लगा गुस्सा आ रहा है। तुझे तो उड़ना भी नहीं आता। तूने तो कहा था गुस्से में ही आ रहा हो जाएगा। धीरे 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 बड़े नवे मुंडिया, हॉली 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 स्काई चढ़े नवे मुंडिया। झुकना ना झुकना ना दुनिया सवार मुंडे, कभी नहीं जावे खाली कोई तेरा वार मुंडे। ठीक है, प्लीज नाम ले। कूद जा। हेलो किटी, किधर? उधर
कहते हैं सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। आओ ए पुत्तर दिखा फिर। एक ओंकार सपना करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। क्या बात है बेबे है ना, क्या बात है, क्या बात है बेबे, पागे बेबे। ओ एक मिनट एक मिनट, कॉस्ट्यूम पूरी नहीं हुई है अभी। ये बात मेरे ये ले पुत्र, सिंह जी दी पग, वक्त आ गया है कि अब तू इसे पहन। प्लीज बेबी, कॉस्ट्यूम इसके बिना ही अच्छा लगता है। पुत्र, हमारे गुरुओं ने कहा है कि पग सरदारों के सर की शान होती है। बेबी, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक भक्ति दिल से ना आए उसे ना करना ही बेहतर है। चल, अपने पापा की पग ना सही, उनका नाम तो रख सकता है फ्लाइंग जाट। क्या करूं? जा दुनिया जाके बचा। चल 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 ना, छोड़। ओहो, दरवाजे से क्यों जा रहा है? तोड़ सकता है, खिड़की से जा। प्लीज, अरे खिड़की से जा। बेबे बेबे नीचे है। हाय रब्बा, सुपर हीरो तो बन गया लेकिन इसकी ऊंचाइयों का डर नहीं गया। किच किच की तैयारी कर, मार उड़ारी मुंडे, चट जंबो जट कर, विंड दी सवारी मुंडे, फ्लाई पुत फ्लाई पुत फ्लाई 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 पुत फ्लाई पुत फ्लाई फ्लाई फ्लाई। धीरे 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 बड़े नवे मुंडिया, हॉली 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 स्काई चढ़े नवे मुंडिया, फ्लाई पुत फ्लाई पुत फ्लाई 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 पुत फ्लाई पुत फ्लाई फ्लाई फ्लाई। हाँ बेबे। हेलो पुत्र, बचाया किसी को? अरे बेबे, कोई कोई मिला ही नहीं अभी तक। अरे तू है कितने? बेबे सेक्टर पांच। सेक्टर पांच तो पॉश इलाका है, वहाँ कौन मिलना है तुझे? तू खेला बस जा। जिद नहीं करते, पहले गाड़ी में बैठो। बेबे लगता है कोई बच्चे को किडनैप कर रहा है। सत श्री अकाल जी। अच्छा कौन है इसके पापा? क्यों है? कौन है बाबा? क्या हो गया? इसके पापा कौन? ओए मैं हूँ इसका पापा। मेरा बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था यार, पर ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया और उसे छीन लिया। मेरा बच्चा वापस। ओए सॉरी, चोर कहीं का। ओए ये क्या पहन के रखा तूने? कौन है तू? ओए रुक, हट जा। सामने देख, एडीएम धड़ा जा रहा है। अरे भाई साहब, बुढ़िया तो मालदार लग रही है। अरे चल फिर, भागने की जरूरत नहीं। माता जी क्या कर रहे हो आप? कचरा को इन्नू लूटने आया था तो मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आप गलत समझ रहे हो। ठीक समझ रही हूँ मैं। क्या होया माता जी? ये बदमाश मैंने लूटने आया था। बदमाश कम माता जी, ये जोकर ज्यादा लग रहा है। तू दारू चप्पल बस बहुत हो गया, नहीं बनना है मुझे कोई सुपर हीरो। We are reporting live from the airport where the Punjab police is not only dealing with a terrorist attack but also a hostage situation. Kai aatankwadiyan ne airport te hamla karke andar de karmchariyan te kai passengers nu bandi bana liya. Awaaz hi kaisi hai yaar?
शायद कोई मेडिकल ही नहीं बचा सकता।
ते नहीं छड़दा दुनिया देख के खड़ी खड़ी बोतल फीसा बड़ी बड़ी बैटमैन तो भी कैटमैन है का सुपरमैन दा चड़ी बड़ी आई इन द स्काई करता फ्लाई उड़ता जाए मम्मी बुलाए हाथ ना आए करता दूरो बाय बाय जाले साफ हो गए पुत्र जाले ता साफ हो गए शहर कब साफ होगा छिट्टी कर हेलो हेलो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और सामने स्कूल है आप ये लोग वेस्ट कैसे जंप कर सकते हैं आप कौन होती है ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे है बच्चे दिख रहे डोंट वरी विल फाइंड अ वे ओके कम ऑन क्या है सब हाँ पता नहीं सर पापा कितनी जल्दी बदबू आ रही है गेट पे कौन लोग मीडिया इनको बोलो जमीन हमारे नाम की ना सही पर ये कचरा तो तुम्हारे नाम का है इसीलिए सही पत्ते पर भिजवा रहा हूँ टीवी पे मल्होत्रा की शक्ल देखनी चाहिए थी ये सुपरहीरो जो भी है ना ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काश मैं उसे मिल पाती मन्नत मांग के देख लो शायद पूरी हो जाए नॉट अ बैड आइडिया जल्दी जल्दी और टिका भी लेते हैं।
मैंने सुना है आपको चोट नहीं लगती? भाई बिल्कुल चोट नहीं लगती। जरा ये नारियल देना मुझे, ये देखो ये नारियल है ना, इसके सर पे मारूंगी, दो टुकड़े हो जाएंगे इस नारियल के, लेकिन इसके सर को कुछ नहीं होगा, देखना तुम। मुझे लगा मेरी फोटो ही नहीं खींचेगी आज, मगर खींच के दीवार पे टक जाएगी। रफ्ती सो, मुझे सचमुच पता नहीं चला कि कॉस्ट्यूम में तू था और अमन नहीं। अच्छा थे। हसले साले हसले, मेरी ना तुझे बद्दुआ लगेगी। हर शेर का ना सवा शेर होता है बेटे, कोई ना कोई तो होगा जो तुझे सबक सिखाएगा। I don't understand how this is possible. एक आदमी एक लेवल तक पॉल्यूशन बर्दाश्त कर सकता है, but this guy, he has been lying in waste for so long. इसके वेन्स में भी पूरे टॉक्सिन्स भर गए हैं। You know what? हमने इसके ब्लड टेस्ट किए। Let me show you the results. Can you believe this? His blood is black in color. मुझे समझ नहीं आ रहा ये जिंदा कैसे है। Discharge करो उसको। I'll take it from you. What? I can't do that, sir. Sorry. Sir, you don't know pollution ka uske brain par kya asar hai. We need to analyze that. He can be dangerous. Should I remind you? This is my hospital. Janta hoon, sir. But I am also a doctor. Meri bhi kuch responsibilities hai. Jab tak uske sare test khatam nahi hote, I can't let him go. Oh my God, please, 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 please,
that was. Surprise, surprise. वैसे क्या हुआ था उस रात को? I don't remember. It's all right. Just. You know, Raka, तुम्हारी इस नई ताकत और पुराने पागलपन को मिलाकर हम दुनिया जीत लेंगे. But there's one problem, Raka. साढ़े शहर में एक नवा सुपर हीरो मिल चुका है. जी हाँ, इसका नाम है फ्लाइंग जट. परेशान करके रख दिया. इसकी ताकत का जवाब तुम हो, राका. So go and finish him. No. What? You understand my madness? Not my passion. I need a better costume than him. Huh? Oh, why not? That's it. Sasrikaji. Hello. हाँ बेबे, अच्छा एक काम करना, मेरे को 2 किलो लौकी लेते आना. बेबे मैं कॉस्ट्यूम में हूँ. सुपर हीरो क्या खाना नहीं खाता? बल्कि तेरे को देख के तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. पर बेबी मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रख. नमस्ते जी. रहन दे, रोटी शुट्टी छोड़, आज 2 पैगी लगा लेती. एक काम करना ना, जरा ठेके से एक बोतल विस्की ले आना मेरे लिए. ठीक है बेबी, जाता हूँ मैं. बाय. लौकी देना प्लीज. देखा, मैं कहती थी ना, सुपर हीरो भी लौकी खांदा है, तो उसे भी खाया करो. ठीक है, खाऊंगा. कितने रुपए जी? 70 रुपए. अरे, फ्लाइंग जेट से पैसे लोगे? जी, कोई बात नहीं. जी, मैं सॉरी. सॉरी भैया, लगता है कहीं उड़ते हुए पैसे गिर गए. हेलो. गिरती आप मुझे जानते हैं? अरे उस दिन हम मिले थे ना आपकी सोसाइटी में. आपको याद है? कोई कैसे भूल सकता है. अच्छा बाय द वे, थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी. थैंक यू फॉर द लॉकी. लॉकी, आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा. ओके, आपसे कैसे पैसे लूंगी.
चाहूं तो अभी खत्म कर सकता हूं तुझे, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूं। जानता तू क्यों आ रहा? इनकी वजह से। तेरे पास सिर्फ ताकत है और मेरे पास इनका विश्वास। आपकी लौकी। थैंक यू। वहां रह गई। ठीक कहते हैं लोग, मैं इस शहर में बहुत सारा कचरा पैदा करता हूं। अपने आप को देखो, इससे बड़ा कचरा और क्या हो सकता है? वाह, उस आईने पे अपना गुस्सा क्यों दिखा रहे? जहां दिखाना चाहिए था वहां तो कुछ नहीं किया तुमने। उस सुपर हीरो ने मेरा सारा काम बंद करवा दिया है। मेरी फैक्ट्री से जरा भी गंद निकले ना, सीधे मेरे घर पहुंचता है। कहां भेजू मैं कचरा? कहां भेजू? कहां भेजू कचरा मैं? Where the hell do I dump that goddamn waste? Raga, where do I dump it? एक्चुअली उस दिन आपको लौकी के लिए ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाया था ना, और प्लस आपका उधार भी तो चुकाना है। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, और मैं दे भी नहीं रहा। Can I ask you something, Kirti? Do you trust me? शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा तू चांद सा मिला। और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू और कैसे यकीन भला। जो कभी धारा सजना दे तुझे अब से मांगा, रात से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
तू मिल या तो जाने ना दूंगा मैं। कैसे लगा? Magical! मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल नाइट थी। एक्चुअली वैसे अगर आप चाहे तो कल दिन भी काफी अच्छा हो सकता है। एक्चुअली नेक्स्ट स्कूल मैं टीचर हूँ और कल हम स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। अगर आप बाकी बच्चों से कुछ बात कर सके, उन्हें इंस्पायर कर सके तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं भी। ओह एंड यू कैन मीट माय बेस्ट फ्रेंड अमन। कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलविदा। ग्रेट, तो कल एसजीआई स्कूल 12 बजे। ओके थैंक्स। ओके बाय बाय। ना भाई, मैं बिल्कुल नहीं पहनना तेरा ये कॉस्ट्यूम। पिछली बार की मार्केट है, अभी तक गया नहीं मेरा। रोहित प्लीज समझा कर यार, मैं कृति को वादा कर चुका कि फ्लाइंग जेट बच्चों से मिलने आएगा। ओ यार, तो तू खुद फ्लाइंग जेट बन के क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड अमन को फ्लाइंग जेट से मिलाना चाहती है। अब तू बता क्या करूं? ना ना ना, मैं नहीं जानता, भूल जा। सुन बे, सुपर हीरो होगा तू बाहर। हाथ छोड़। अबे हाथ छोड़। छोड़ मार। अबे तू अपने सुपर पावर से गलत फायदा उठा रहा है। बता पहनेगा कि नहीं? पहनता हूं प्लीज। ऊपर ले ले भाई, पहनता तेरा भाई हूं यार। वाओ, फ्लाइंग जेट तुम्हारे साथ, that's great, yeah? वो सुपर हीरो है, उसे तो कोई भी मिल सकती है। Why me? कीर्ति, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को बाकी लड़कियों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? हाँ, कभी खुद को नोटिस किया है? जैसे तुमने अभी बाल बांध रखे हैं, तो तुम बहुत क्यूट लगती हो, और जैसे ही तुम बाल खोलती हो, I'm sorry, but you look really hot. I mean, एक सेकंड के अंदर कोई क्यूट से हॉट कैसे लग सकता है? तुम्हारी बात करने का स्टाइल, तुम्हारे हंसने का स्टाइल, तुम्हारी पंच करके प्यार दिखाने का स्टाइल, हर चीज कमाल है कृति। और जिस तरह तुम मुझे अभी देख रहे हो, इट्स मैजिकल। यू आर नॉट वन इन अ मिलियन कृति, यू आर द वन। हाय प्लांजेट। हाय। हेलो हाय प्लांजेट।
हाय। ये मेरा दोस्त है अमन। अमन इन्हें कौन नहीं जानता है, कैसे हो? हाउ यू डूइंग? थैंक यू। चले? हाँ ऑफ कोर्स। ऑटो भैया। ऑटो में जाने की क्या जरूरत है, हम उठ के भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम तो उठ सकते हैं ना। अच्छा, आप बस हमें टाइटली पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है, और फिर उठ चलेंगे। चलो ठीक है, फिर टाइटली पकड़ लो ताकि कोई गिरे ना। ठीक है, ओके। क्या हुआ गोल्डी? क्या हुआ? कुछ जंकर्स है, पहले मारपीट की, अब बस रुक के खड़े। अच्छा, कहाँ है मार्श गुंडे? कहाँ है सब लोग? कौन है? हाँ, क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? बच्चों के पास रोते हो, शर्म नहीं आती? अबे कौन है तू? ऐसी सिचुएशन में ऐसे कॉस्ट्यूम में कौन आता है? हमारा अपना सुपर हीरो। हिम्मत है तो हमारे सुपर हीरो से लड़के दिखा। भाई ये तो वही सुपर हीरो है जिसको टीवी पर दिखाते रहते हैं, सुना है बड़ा ताकतवर है। अच्छा, ताकतवर? हाँ। तू अगर सुपर हीरो है तो मैं भी सुपर डुपर हीरो। सुपर हीरो डर गया? मगर मैं असली सुपर हीरो नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मतलब सुपर पावर्स के साथ तो कोई भी लड़ाई कर सकता है, पर असली सुपर हीरो कौन है? असली सुपर हीरो वो है जो बिना पावर्स के अच्छाई के लिए लड़े। पर बिना पावर्स के कैसे? विश्वास से? अगर एक आम आदमी जैसे अमन को यह विश्वास हो जाए कि उसके लड़ने से एक मासूम की जिंदगी बच सकती है, तो उसमें खुद ब खुद पावर आ जाएगी। यकीन नहीं होता ना? नहीं तो खुद ही देखो। अमन, अरे यार चलो यार, जोश बेहोश मत खो, सब गुंडे हैं, मवाली हैं। चलो। और मैं क्या हूँ? हाँ? एक मार्शल आर्ट टीचर। बच्चों क्लास के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं कह रहा था, कौन है असली सुपर हीरो? मैं या अमन सर? इस फंक्शन पे जरूर जाना चाहिए। अरे भाई जाना तो चाहिए मगर वो जाएगा नहीं। ओए
फूल, चॉकलेट और कार्ड भी। बेबी क्या है ना, कीर्ति के साथ वैलेंटाइन डे मनाने का इरादा है तेरा है। पता है तेरे को शहर वालों ने तेरे लिए इतना बड़ा चैरिटी का फंक्शन रखा है। पर फिर भी अगर मैं कीर्ति से नहीं मिलने गया तो वो बुरा मान जाएगी ना, और वो गोल्डी जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। पुत्र, तुझे रब ने ये ताकत कुड़ियां पटाने के लिए नहीं दी है। पर क्या क्या रब नहीं चाहते कि मुझे भी मेरा प्यार मिले बेबी? मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तू इस चैरिटी फंक्शन पे जाएगा तो जाएगा बस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सुपर हीरो ही फंक्शन पे जाएगा, पक्का जाएगा। मेरा पुत्र जरूर जाएगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तारा तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? एक्चुअली और नहीं, तो ऑफ कोर्स मेरा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। अच्छा, अकेले में कीर्ति, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। ओके, अकेले में? या एक्चुअली मैं भी तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। साथ में देखो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक्चुअली तुम ठीक हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सबसे अच्छा तो सुपर हीरो है ना। तो गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू सुपर हीरो। प्यार का दिन है यार, प्यार की बातें करते हैं। ये सुपर हीरो सबकी विशेष पूरी करते हैं, एक मेरी भी विश पूरी कर दो ना। धोखेबाज निकला, उससे शक्ति कपूर की बेटी से प्यार हो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। ठीक है अमन, आज तक किस पेपर से टालियां लड़की आज पहली बार बंदा लड़की। हाँ मुझे माफ कर दे यार, मैंने पहले कहा था कि नहीं पहना तेरा कॉस्ट्यूम, तूने फोर्स किया था। हमें कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा था, शादी के लिए हाँ करने के लिए नहीं। श्रद्धा कपूर ने बोला था यार, मैं कैसे मना करता। ओ यार देख भाई, सीधी सी बात है, मेरे और बेबे के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता कि असली फ्रेंड तो तू। मेरी बात मानते कीर्ति पीर्ति का चक्का छोड़ो, श्रद्धा शादी कर ले, और तू मेरी चिंता ना कर वीरे, मैं उसको सिर्फ अपनी भाभी की नजर दिखूंगा। रोहित एक बात समझ ले, मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा, और भाई अब तो जैसे कमीने की वजह से मुझसे नफरत करती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वीरे नहीं, वीरे नहीं, ना कर यार, मुझे एक मौका दे, कल तक मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यार, तुझे
अपनी सुनाओ। सिर्फ कल तक। हाँ भाई ठीक है भाई। हाय। हाय अमन। हाय कीर्ति। हाय रोहित। क्या बात है, आज काफी खुश लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, मेरी और सुपर हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दैट्स ग्रेट यार। वो मेरे यहाँ आया था, बेचारे ने बहुत सॉरी बोला और फिर हमने पहली बार किस भी किया। क्या बोले? वो मेरे पास आया था, उसने मुझे कस के पकड़ा और फिर उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। यहाँ एक्चुअली वो तो और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैं नहीं रुकने वाला हूँ साले, तुझे मार डालूंगा। सुन मैंने तो कीर्ति तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा इधर को पप्पी आया आया। रोहित तुम सुपर हीरो हो? सुपर हीरो ये नहीं कीर्ति, मैं हूँ असली सुपर हीरो। जानती हूँ, तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी मैंने कल पेट के पास। यानी तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। थैंक गॉड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है अमन। अमन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? जब इतने सालों में ये नहीं बोल पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो ये तो छोटी सी बात है ना। आई एम रियली सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। जो कल रात नहीं हुआ वो अब होना चाहिए। आई वॉन्ट माई फर्स्ट किस। एक एक ये रोमांस वांस बाद में कर लेना। और तू पहले तू कसम खा कि आज के बाद अपने कॉस्ट्यूम पहनने को मुझे नहीं बोलेगा। अब यार कमाल की मनुष्य चीज है यार, जब भी तेरे कॉस्ट्यूम पहनो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ यार। नहीं पहनना मेरे को ये तेरे कॉस्ट्यूम। कर लो पप्पू छप्पी, अब मैं जा रहा हूँ। हाय बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदी दुलो हाथ लगती है हाय गर्ल टूट लगती है हाय गर्ल मेरे दिल को बहाय बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदी दुलो हाथ लगती है हाय गर्ल टूट लगती है हाय गर्ल डिस्को दीवानी फायर इन द पानी परफेक्ट प्रमोशन में पाई है जवानी बेबी फ्लोर की हीट है बनानी सुन मेरी रानी प्लीज कर मेहरबानी आ जा कर दूं इंटरनेट पे वायरल तेरे धुम के तेरे स्वर।
रहते थे सी टूट भी तो ले सी घर सब को तो दे दिया जा कर का दे ठहर जा पुत्र, आज गुरुपूरब है, आज तू ये पग पहनने से इनकार नहीं कर सकता। फिर वही बात, बेबी तेरी हर बात मानता हूं मैं, पर ये नहीं मानूंगा। तेरी दिक्कत क्या है? क्योंकि सब मजाक उड़ाते हैं। बचपन से ही झेलते आया हूं मैं, 11 बजे सब घड़ी देखना शुरू कर देते थे। वही सरदार तेरे 12 बजने वाले, सरदार तेरे 12 बज गए। 12 बजते ही सांस रोक के बैठ जाता था मैं कि अगर मैं हिला भी तो उसे सब पागलपन कह देंगे। इसीलिए बाल कटाली मैंने अपने, शर्म आती थी मुझे। शर्म आती थी? शर्म तुझे नहीं, उन्हें आनी चाहिए थी। तुझे तो गुरूर होना चाहिए था। तू जानता है सरदार के 12 कब बचते हैं? जब वो दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज से 300 साल पहले जब नादिर शाह राम का एक अफगानी लुटेरा हमारी बहू बेटियों को उठा ले जा रहा था, तब सिखों ने उन्हें छुड़ाने की और अपने देश की इज्जत बचाने की कसम खाई। कहां लुटेरों की लाखों की फौज और कहां चंद मुट्ठी भर सरदार। ठीक आधी रात 12 बजे जब लुटेरों की फौज नींद और नशे में धुत थी, वो उन पर शेरों की तरह बरसे। उनकी बहादुरी और जनून का दुश्मनों के पास कोई जवाब नहीं था। एक एक करके उन्होंने अपनी हर बेटी हर बहन को सुरक्षित घर पहुंचाया और फिर ये किस्सा सिलसिला बन गया। आधी रात होते ही लुटेरों की फौज को बस एक ही खौफ रहता था, 12 बज गए, कहीं सरदार ना आ जाए। पर अफसोस, वक्त के साथ साथ कुछ लोगों ने इस बात को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया। वो बेवकूफ लोग क्या जाने, बहादुरी की मिसाल हुआ करती थी 12 बजे, देशभक्ति के जलवे हुआ करते थे 12 बजे। सरप्राइज सरप्राइज, Flying Jack is made light, so boring. I mean, why save the world when you can ruin it? So get ready, because evil has a new face. And it's called Russia, before your superhero comes. If any one of you tries to leave, you will all die! What did I just say? No one knew!
इतना कचरा फैलाते हो राका, शहर को साफ रखना चाहिए, है ना मिस्टर फ्लाइंग जेट? यू नो, बहुत इंतजार था मुझे इस पल का, पर काश मैं तुम्हारी इस हालत का क्रेडिट ले पाता। ले नहीं सकता क्योंकि इसका हकदार कोई और है। कौन है ये लोग जिनके लिए तुम लड़ते हो ना? वही लोग, इनके पोल्यूशन की वजह से राका ताकतवर बना है। ये लोग जो बड़ी आसानी से मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं पोल्यूशन के लिए, खुद कितना गंद फैलाते हैं, पूछा है तुमने कभी? ये लोग गंद फैलाते रहे और राका की ताकत बढ़ती गई और हमेशा बढ़ती रहेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसके मौत के जिम्मेदार मैं नहीं, तुम लोग हो। जस्ट फिनिश हिम राका। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ व्हेयर यू कैन डिफीट राका। पे। इस पे तो चोटों का असर होते नहीं था, बड़े से बड़ा घाव दो मिनट में मर जाता था। ये क्या हो रहा है? वाहिगुरु, आपके रहते ये सब कैसे हो सकता है? हर चीज के लिए हम वाहिगुरु को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अमन को अपनी शक्ति
सिर्फ एक पेड़ से मिलती है, लेकिन राका को अपने आसपास पड़ी हर चीज से। Flying jet has been done and dusted. Yes! Come on guys, back to the camp, फिर से शुरू करते हैं. Come. मिस्टर मल्होत्रा, शी हैड अ सीवियर अटैक ऑफ एस्थमा. उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल्स भी कम होने लगे. कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वी हैड टू पुट हर ऑन अ वेंटिलेटर. प्लीज डू समथिंग मिस्टर मल्होत्रा, यू डू समथिंग. ये सब उसको हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं. राका ने दो ही दिन में पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया है. ना कहीं पेड़ बचे हैं और ना ही झरने. पूरा शहर जल रहा है. ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर है कहाँ हमारा फ्लाइंग जट. That's exactly what I want to know. Where is your flying jet? I will give him one day's time. I will wait for him tomorrow at the city grounds. If he does not show up, I will pollute the air of the city to such an extent that people will be petrified to breathe. Every drop of water will be worse than poison. Let's see, Flying Jet, how much you really love this city. सुपर हीरो ही शहर की आखिरी उम्मीद है और राका उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अगर अमन उसके सामने इस हालत में गया तो वो तो एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा. पर लोग मर रहे हैं आंटी, उसका क्या? ला बेबे, मैं देख आता हूं. आज तक मैंने तुम्हें काम करने के पैसे दिए राका, आज कुछ ना करने के लिए पैसे दे रहा हूं. बस अब ये सब बंद करते हैं. प्लीज टेक द संदीप. Your offer is really good, Malhotra. But there is one problem. Laga, no. Laga, no. No. I no longer crave for money. In fact, now, I crave for this pollution. And I don't need your help to get it. Ye meri beti ki zindagi ka sawal hai. Oh. Oh. I am not some whiskey tree. I am Raka. And don't you forget, I have a black soul. Rukari Emery. Kahan hai tumhara superhero? Tumhara flying jet? Uska time khatam. Aur tumhara bhi. के साथ कौन है?
कोई जगह नहीं जहां तू मुझे हरा सके। Come on, flying cat! Time to fly for the last time. Bye-bye, flying cat. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नु मनाना नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा। सुपरहीरो की मौत के जिम्मेदार आज हम सब हैं। अगर राका को भगाना है तो पहले हमें पॉल्यूशन को मिटाना होगा। ओ यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वरगा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा मैं उसे भुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। एक बार फिर सोच लीजिए आंटी, ये जगह अंकल का सपना था, इसे छोड़ के रह पाएंगे आप? उनका सपना मेरे बच्चे की जान से ज्यादा प्यारा नहीं है। एक बेटा तो खो चुकी हूं, दूसरा नहीं खोना चाहती। आंटी नहीं आना, सोचना भी मत। मैं ही तुझे हमेशा कहती थी रहने के लिए, आज मैं कह रही हूँ चल अमन, अभी हमारे बस की बात नहीं है, तू चल यहां से। ठीक है बेबी, मैं चला भी जाऊं यहां से, लेकिन ये आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। Go! Go! Go!
उन सब में एक ही नाम है, राका। लेकिन अमन, तुम राका की ताकत का सामना नहीं कर सकते, उससे लड़ना पागलपन है। जानता हूं। लेकिन क्या करूं, मैं एक सरदार हूं। और मेरे 12 बज गए। So you think you're a superhero? हाँ, रोहित भैया ने कहा था कि असली सुपरहीरो वो ये जो बिना पावर्स के लड़े। अगर हमारे अंदर विश्वास है कि हम सही है, तो हमारे अंदर ताकत अपने आप आ जाती है। Well then, I see. Show me your power, superhero. You understand? No one can defeat me. It doesn't matter how many you are. 1,000, 10,000, Alack, and even an army of Alack on this planet cannot defeat the might of Raka. Sava lakh to hara sakte hain. Ek Sikh sava lakh ke barabar hota hai Raka. चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। Oh!
तूने सही कहा था राका, धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुझे हरा सको। लेकिन यहां तो है। माटी पे हो जाऊं मैं कुर्बान।
हैं प्याज का हलवा। अब ध्यान रहे कि प्याज के पीसेस जो है छोटे छोटे। ये गरीबों का हलवा, ये डाइट वालों का हलवा। जैसे मैं पुशअप मारता हूँ वैसे पांच पुशअप मारता हूँ। आजा सारे, आजा सारे। अगर हिले हाँ, गाना जो था वो टैगी हाँ वाओ ओके सुपरमैन दा चड्डी बड़ी आई इन द स्काई करता फ्लाई उड़ता जाए मैं।